अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर से खुश आमदीद। सबसे पहले तो पूरी कौम को दुनिया टेलीविजन की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को हराने पर मुबारक हो। हमारी क्रिकेट टीम ने बड़ा अच्छा खेला, उम्मीद करते हैं ऐसी खेलती रहेगी वर्ल्ड कप में। बहरहाल नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पर। रेमंड डेविस को छोड़े हुए, घर भेजे हुए शायद 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे तो अमरीकनों ने ड्रोन से अटैक किया दत्ताखेल में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, और वहाँ कोई मुख्तलिफ फिगर्स हैं, 48 से लेके कहा जाता है 60 लोग मारे गए। उसके नतीजे में बहुत हुकूमत की तनकीद हो रही है, रेमंड डेविस के हवाले से भी तनकीद हो रही थी। एक नई बात चल निकली और हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, फॉरेन सेक्रेटरी, सब ने तनकीद की। फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने एक नई बात की, उन्होंने ये कहा कि आप हमें अपना तो फैल ही ना समझें, क्लाइंट स्टेट ना समझें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की जो बुनियाद है, बुनियादी चीजें हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनको रिव्यू करना पड़ेगा। साथ साथ हमने ये भी सुना कि 26 तारीख को एक ट्राइलैटरल मीटिंग जो ब्रसल्स में होनी थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमरीका की सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर भी ये कह दिया पाकिस्तान ने कि हम इसमें शमूलियत नहीं कर सकते। अब इस सब का क्या मतलब है, ये ताल्लुकात कहाँ जा रहे हैं? गाहे बगाहे हम देखते हैं कि इस तरह की क्राइसिस होती है और इस मर्तबा तो ये पहली मर्तबा शायद हुआ है कि आपके फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने ये कह दिया कि हमें तो फैल ही ना समझे, क्लाइंट स्टेट ना समझे, डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। तो इस पर नाजरीन आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं स्टूडियो में नजमुद्दीन शेख साहब, ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, अमेरिका में ये सफीर भी रह चुके हैं, अब भी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं गाहे बगाहे, और ये बहुत गहरी नजर रखते हैं खित्ते के जो हालात हैं, बैनुल अक्वामी हालात हैं। साथ उनके तशरीफ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब, ये फॉर्मर ISI के चीफ हैं, अभी भी बहुत एक्टिव हैं, ISI में नहीं एक्टिव है लेकिन जो हालात हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी, उन पर ये गहरी नजर रखते हैं। और उनके साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट सलीम साफी साहब, ये हमारे अपने दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और एंकर हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। नजमुद्दीन शेख साहब, ये क्या हुआ 24 घंटे के बाद फिर यहाँ से स्टेटमेंट ये आई कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, क्लाइंट स्टेट नहीं है तो फैली ना समझे, कुछ जरा समझाइए हमें। नहीं, पहले तो ये जो 48 या 60 लोग हैं ये कौन थे, ये मालूम करना जरूरी है। कहा यह जाता है कि कबायली जिरगा हो रहा था और वो जिरगा जो था वो हुकूमत के हिमायत के साथ हो रहा था और उसका ऑब्वियसली यही कोशिश ये थी कि वहाँ पे अमन लाने की का कोई तरीका ढूंढा जाए और जो नॉर्थ वजीरिस्तान में तालिबान हैं उन पे ज़रा प्रेशर बढ़ाया जाए। ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि यही मतलब होगा अगर कबायली जिरगा है और उसको हुकूमत की हिमायत हासिल है। अच्छा, वो जमीन का झगड़ा नहीं था कोई, जो भी कहा जा रहा है मुझे पता नहीं। मैं, अगर हिमायत थी हुकूमत की जिसका कुछ चीजें ऐसी कही गई हैं जिससे महसूस होता है कि न सिर्फ हुकूमत को इसका पता था लेकिन हुकूमत की इसके हिमायत भी थी, तो फिर ये पता करना होगा कि उनमें शामिल कौन कौन थे। अगर कोई जमीन का झगड़ा था तो वो तो अलग चीज हो जाती। इस किस्म के हमले पहले हुए हैं। रेमंड डेविस यहाँ पे गिरफ्तार था और ये मालूम हो रहा था कि जब तक वो गिरफ्तार रहेगा तब तक ड्रोन अटैक्स नहीं होंगे, लेकिन हो गए थे और ये अटैक्स जारी रहे हैं। इन अटैक्स पे अमेरिका में सवाल उठाए गए हैं। एक सवाल ये उठाया गया था कि साहब हमने 243 लोग मारे हैं ड्रोन अटैक्स में और उनमें दो हाई वैल्यू टारगेट्स थे। एक हेलफायर मिसाइल की कीमत $1 मिलियन है और इससे अगर पैसों का भी कोई रिटर्न नहीं मिल रहा और उसके साथ अगर लोगों में गुस्सा भी बढ़ इफेक्ट भी हो रहे हैं तो क्या इसको जारी रखना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं उसको दूसरे पहलू से देख रहा था कि अगर दो हाई वैल्यू टारगेट्स थे और कुछ ही उनमें अलकायदा के थे और कुछ ही उनमें अफगान तालिबान थे तो फिर शायद बाकी जो थे वो तहरीक तालिबान के थे। आप इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की? नहीं, इसकी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ पुराने की बात। ये जो 243 की फिगर आई थी उसको कोई 3-4 हफ्ते हुए,
तो इसमें अब टारगेटिंग क्या हो रही है, टारगेटिंग में कितनी कितना तावन है, कितनी अग्रीमेंट है, कितनी नॉन अग्रीमेंट है, इसमें भी कहते हैं कि कोई गाड़ी थी जिस पे अटैक था और उसके साथ उसके बराबर में ये गिर गया था। अब उस गाड़ी में कौन था, हाई वैल्यू टारगेट था नहीं था, मिसफायर हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं। हम तफसील में जाएंगे क्योंकि हमारे जो वहां के कॉरेस्पॉन्डेंट है नासिर दावड़ जी, नाजीन उधर गहरी नजर है वहां की सिचुएशन में, उनसे बात करेंगे बाद में। लेकिन जल साहब आपसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये फिर उसी सवाल पर आऊंगी मैं कि इतनी बड़ी बात फॉरेन सेक्रेटरी ने कह दी, वो खुद अपनी मर्जी से तो नहीं कह रहे, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद ये कह देना कि जी आप हमें तो फैली ना समझें, क्लाइंट स्टेट, हमें लगता ये है शेख साहब कि ये बड़ी बात है। और आप ये बाद में जल साहब से पूछते हैं, फिर आपसे भी सुनेंगे, ये नई बात है या हम गाय बगाय कहते रहते हैं ऐसी बात, व्हाट इज दिस जनरल साहब? इस हमले का तो तअल्लुक है रेमंड डेविस की रिलीज के साथ या जो डील हुई है उसके साथ ताल्लुक है जी, इसका तअल्लुक बिल्कुल साफ इसलिए लगता है कि बाकी चीजें तो हम कई दफा डिस्कस कर चुके हुए हैं और कौन लोग थे, और मुझे इसमें भी कहने में कोई नॉर्मल नहीं है कि अगर यहां पर कोई ऑपरेशन इस तरह का लॉन्च होना हो तो 40 45 60 लोग इकट्ठे नहीं होते और ना ये रिएक्शन होना था। इसलिए अभी वहां से शुरू कीजिए कि एक दिन जब वो हुआ निकला और हमने उसके मुतल्लिक कुछ कहने की कोशिश की या एक इंप्रेशन दिया कि जी बहुत हमने कमाल होशियारी के साथ ये डील की है और शरीयत को भी इस्तेमाल किया है, और तवक्को अगर लोगों की ये है कि चलो हमने किया, और इतनी पॉपुलर तो नहीं है ये डील सब, लेकिन इसके अंदर हमने कुछ ले लिया होगा उनसे, और हमने ये जो 30-40 दिन जो उसको रखा है उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ इसके लिए वसूल कर लिया होगा। मैसेज उनकी तरफ से ये आना था कि आपका क्या ख्याल है कि अगर हम 30-40 साल हमने थोड़ा सा सब्र दिखाया और आपको ये इजाजत भी दी कि आप इसको लंबा कर लें और अपने तरीके से एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर लें, अब वो चूंकि निकल गया है इसलिए जहां तक शरीयत का ख्याल आपका ख्याल है कि उसकी वजह से हुआ, तो वो तो हमने फौरन कह दिया कि हमें नहीं मालूम किसने पैसे दिए, हमने नहीं, नहीं वो तो हुकूमत खुद कह रही है इन्होंने दिए। हाँ तो वो तो शरीयत वाला जो सा था एक तो उन्होंने आर्गूमेंट, वरना उनके लिए भी बड़ा मसला है ना ये कहना कि जी हम गए थे हमारा आदमी आखिर जब निकला है तो उसमें वो एक लॉ जिसके मुतालिक हम इतना कहते हैं कि ये खराब है उसकी मदद से ही निकला, एक उसकी हो गई। दूसरा ज्यादा मैसेज जो ये मिला है ड्रोन अटैक का वो यही है कि अगर आप एक बंदे को रख कर ही समझते हैं कि आप हमारे साथ बहुत बड़े सौदाबाजी कर लेंगे, फ्रेमवर्क बदलवा लेंगे, तो फैली हद से निकल जाएंगे, तो ये हमारा जवाब है अभी आप देखते हैं क्या करना है। हमारे लोगों का ये रिएक्शन इसलिए समझ आती है कि इनका भी ख्याल था कि शायद हमने कोई बातचीत ऐसी की है जिससे अभी हालात सियासी तौर पर भी हम मैनेज कर सकते हैं, और जब देखा कि दूसरे ही दिन आपको इतना बड़ा जवाब मिल गया तो उसके बाद फिर मुझे इनके रिएक्शन की वजह समझ आनी शुरू हो जाती है। फॉरेन सेक्रेटरी साहब कहते हैं तुफैली मत समझिए, हमें ये मत समझिए, डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, यहां पर जो हमारी आर्मी चीफ की तरफ से भी एक बड़ी स्टेटमेंट आई, हमने वहां से अपना उसको जो ट्राइलैटरल था वो भी उसमें से दिया। निकाल दिया। अमेरिका के अंदर और, भी जाकर और ये दिखाना गुस्सा दिखाना कि हमारा ख्याल था कि हमने काफी कुछ कर लिया लेकिन आपने तो हमारा भरम रखा ही नहीं है, तो इसलिए ये रिएक्शन ज्यादातर अपने लोगों की जो सी कंजम्पशन के लिए शायद इनको ये दिखाना था। सलीम साहब ये बताएं कि जनरल साहब तो इस तरह से दिखा रहे हैं कि जैसे फरमा रहे हैं जैसे कि ये अमरीका ने ये जानबूझ कर दूसरे दिन ये किया कि जैसे प्लान्ड था कि आप हम आदमी निकाल के फिर आपको ये दिखा देते हैं कि आप ये ना समझिए कि वी विल नाउ गो ऑन दिस होल मिशन अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स। हमें लगता है कि ये तो कोई ऐसे आमदन उन्होंने कोई प्लान तो नहीं किया था, उनको जैसे इंटेलिजेंस मिलती है उनको मिली अकॉर्डिंग टू देम हाई